हेलो एवरीवन, आप लोगों ने कल की और परसों की न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा कि जो केरला में एक अभी नया ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जिसमें क्या किया गया है कि जो वहाँ का जो स्टेट पुलिस एक्ट है 2011 वाला, केरला स्टेट पुलिस एक्ट 2011, उसमें कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। तो जिनको ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्रोविजंस है, ये हमारे फंडामेंटल राइट जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजन से जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग अलग तरीके के रिएक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म अभी केरला की गवर्नमेंट को इसकी वजह से फेस करना पड़ रहा है। तो आज हम जानेंगे कि पूरा ये है क्या, क्या क्या नए प्रोविजन्स में ऐड किए गए हैं और कैसे जो है ये आर्टिकल 66 जो हमारा सेक्शन 66A है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और सेक्शन 66A था क्या, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अचीव IAS और मैं हूं आपका दोस्त आकाश विजयन। लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। तो ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है 5 ईयर जेल टर्म फॉर ऑफेंसिव पोस्ट। जो मतलब जब भी आर्टिकल, जब ये आपका जो कहते हैं आपका जो, और जब ऑर्डिनेंस पास हुआ था तो उसके अगले दिन का ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि क्या क्या इसमें प्रोविजन हैं और क्या क्या जो है इसमें कैसे इसका जो है चिलिंग इफेक्ट हो सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो है ऑर्डिनेंस पास किया गया है वहाँ के केरला के गवर्नमेंट के, केरला के गवर्नर के द्वारा। केरला का भी गवर्नर कौन है, वो आपके हैं अरीफ मोहम्मद साहब, ठीक है। तो हम देख गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस वाले ऑर्डिनेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे हमारे जो गवर्नर होते हैं हमारे स्टेट्स में इंडिया में, उनके पास आर्टिकल 213 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर पावर दी गई है कि वो लोग जो है आर्टिकल 213 का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। आपको पता है ऑर्डिनेंस जब भी निकालते हैं वो उससे निकालते हैं क्योंकि उस वक्त जो आपका स्टेट लेगिस्लेटिव असेंबली आपकी सेशन उसका नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई ऐसी एकदम से इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से हमें ऑर्डिनेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं आप इन्फ्लुएंटल रोल प्ले करता है, वो भी इसमें ज़रूर गवर्नर को इस बात से लेकर एडवाइस करता है, ठीक है। तो आपका अभी केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का आपका सेशन नहीं चल रहा, इस वजह से गवर्नर ने ऑर्डिनेंस पास किया आर्टिकल 123 के, आर्टिकल 213 के अंदर। आपको पता है जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके अंडर आती है, वो उनका आर्टिकल 123, ठीक है। और जो हमारे गवर्नर है उनका है आर्टिकल 213, 213, ओके। तो दिस आर्टिकल एम्पावर्स द गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। जैसा कि आपको बताया कि जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता तब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नर यूज कर सकता है, ठीक है। टू इशू एन ऑर्डिनेंस द गवर्नर मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द सर्कमस्टांसिस दैट मेक इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। जब ऑर्डिनेंस इशू करते हैं गवर्नर तो गवर्नर को इस बात से लेकर बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हो जानी चाहिए कि जो सर्कमस्टांसिस है वो इतने इमरजेंट हैं इस वक्त कि हम लोगों को ऑर्डिनेंस पास करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा जब हमारा कोविड अंडर पैंडमिक जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें उन्होंने वॉयलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया था, क्योंकि उस वक्त जो है मेडिकल पर्सनल के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ने को बढ़ गई थी जो हमें देखने को मिली थी। तो इस वजह से उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया था दैट वॉज अंडर आर्टिकल 123। तो अब जो गवर्नर ने आर्टिकल पास किया है वो आपका आर्टिकल 213, ठीक है। अब है कि गवर्नर कैन प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस इफ़, अब तीन यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है, तीन आपको केस दिए गए हैं जिसमें जो है गवर्नर ऑर्डिनेंस को पास नहीं करता था। फर्स्ट द ऑर्डिनेंस हैज द प्रोविजन विच ऑफ एम्बोडिड इन अ बिल वुड रिक्वायर प्रेजिडेंट्स सैंक्शन। अगर ऑर्डिनेंस में कुछ ऐसे प्रोविजन है, अगर ऑर्डिनेंस में आपके कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिन पे प्रेजिडेंट की असेंट ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो जो है वो ऑर्डिनेंस गवर्नर पास नहीं कर सकता। सेकेंड द ऑर्डिनेंस हैज द प्रोविजन विच द गवर्नर वुड रिजर्व एज अ बिल कंटेनिंग दैम फॉर द प्रेजिडेंट सेंक्शन। आपको पता है कि कुछ बिल्स अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने होते हैं तो वो गवर्नर के पास साइन होने के लिए आते हैं। तो कुछ बिल ऐसे होते हैं जो गवर्नर को प्रेजिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखने पड़ते हैं। तो अगर वैसे ही कुछ प्रोविजन एक ऑर्डिनेंस में भी हैं तो वो प्रोविजन, तो वो ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन पर पास नहीं कर सकता, डेट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो आप वो प्रेजिडेंट की असेंट के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। एंड थर्ड, इफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द सेम प्रोविजन डेट वुड बी इनवैलिड विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि प्रेजिडेंट के असेंट के बिना इनवैलिड रहेगा तो उसको, उस ऐसे प्रोविजन वाले ऑर्डिनेंस को भी गवर्नर पास नहीं कर सकता। All ordinances promulgated by the governor in the state have the same effect and enforced as an act of legislature of the state. तो ये बात आपको पता ही होगी कि अगर जो ऑर्डिनेंस जो पास किया हो जाता है, जो हो सकता है जो पास जो हो जाता है
वो जो है उसका जो इफेक्ट रहता है वो बिल्कुल ही सेम किसी एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो एक्ट पास होकर जाता है बिल्कुल उसी की तरह उसका इफेक्ट सारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस निकालते हैं तो उसका भी इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि एक पार्लियामेंट से पास हुए एक्ट रहते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या पूरा, मतलब अभी क्या न्यूज़ चल रही है। तो फिर आपको पता है केरला के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जी, जैसे कि उनको बताया था थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने सैटरडे को ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें उन्होंने क्या किया, एलडीएफ गवर्नमेंट के एक उन्होंने एक डिमांड को उन्होंने मान लिया जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाने की बात कही कि जो भी लोग ऐसे कुछ आर्टिकल ऐसे भी कुछ या फिर कोई भी ऐसा मैसेज कोई भी ऐसी चीज़ अगर वो पब्लिश करते हैं पब्लिक डोमेन में या किसी को पर्सनली जो कि हो आपको थ्रेटनिंग हो एब्यूजिव ह्यूमिलिएटिंग और डिफेमेटरी, तो ऐसा भी कोई अगर कोई पर्सन इन सब चीज़ों को करता है एक्सप्रेस करता है पब्लिश करता है या फिर डिसेमिनेट करता है तो फिर जो है उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है, ऐसे प्रोविजन उन्होंने ऐड किए। ठीक है ना, और ये प्रोविजन आपके थे स्टेट पुलिस एक्ट जो आपका केरला का है, केरला स्टेट पुलिस एक्ट 2011, उसके अंडर ये प्रोविजन आपके ऐड किए गए हैं। ठीक है ना, प्रोविजन का आपको नाम भी बताऊंगा किस सेक्शन के अंडर किया गया वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही एक प्रोविजन जो था वो हमारे आईटी एक्ट में था, वो था आपका सेक्शन 66A। ठीक है, 2015 में गवर्नमेंट ने इसको इनवैलिडेट कर दिया था कि सेक्शन 66A है ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपका इनवैलिड है, इसको जो है इसको आप आगे ले जाके अब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपका ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के वॉयलेशन में था, इसके अगेंस्ट में था ये, और जो इसमें जो एज में जो आपके आपके जो मतलब कुछ एक आपके ये जो आपके दे रखे हैं ना या फिर कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं ये आपके वेल डिफाइंड नहीं थे कहीं पे भी, इनको कहीं पे भी वेल डिफाइंड नहीं कर रखा था जिसकी वजह से जो है जो पूरा आप कह सकते हैं इसको मिसयूज़ करने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को इनवैलिडेट कर दिया था। तो ऐसे ही कुछ प्रोविजन जो है हमारे इस नए केरला वाले ऑर्डिनेंस में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आगे हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 118D। जब गवर्नमेंट ने सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को जब इनवैलिडेट किया था तो एक प्रोविजन जो है उन्होंने केरला पुलिस एक्ट का भी इनवैलिडेट किया था जो था आपका आर्टिकल सॉरी सेक्शन 118D। ठीक है, तो मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने 66A सेक्शन को इनवैलिडेट किया तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 118D को भी इनवैलिडेट किया था जो था आज वो था आपका केरला स्टेट पुलिस एक्ट का एक पार्ट था। ठीक है, तो अब जानते हैं सेक्शन 118D क्या था। ठीक है, सेक्शन 118D ऑफ द केरला लॉ प्रोवाइडेड फॉर इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग अप टू 3 ईयर्स ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड फॉर कॉजिंग अनोयंस टू एनी पर्सन। तो इसमें ये बताया गया था कि किसी भी पर्सन को जो है 3 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, क्यों, अगर वो किसी को भी किसी पर्सन को वो अनोयंस करता है अपने किसी स्टेटमेंट की वजह से किसी वर्बल कमेंट की वजह से या किसी टेलीफोन कॉल पे या किसी तरीके की अलग कॉल पे वीडियो कॉल पे चाहे या किसी के मैसेज में या किसी मेल में किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन किसी को अनोय करता है तो जो है उस ऑफेंडर को कम से कम 3 साल तक की जेल हो सकती है, 3 साल तक की इम्प्रीजमेंट उसको दी जा सकती है। ठीक है, तो ये था उसका सेक्शन 118D का प्रोविजन। ठीक है, इन द श्रेया सिंगल केस रूलिंग द एपेक्स कोर्ट हैड सेड व्हाट इट हैज़ बीन सेड अबाउट व्हाट इट हैज़ सेड अबाउट सेक्शन 66A वुड डायरेक्टली अप्लाई टू द प्रोविजंस एज कॉजिंग अनोयंस इन एन इनडिसेंट मैनर सफर्स फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ वेगनेस एंड ओवर ब्रेथ। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टांस सेक्शन 66A के लिए था वही स्टांस सुप्रीम कोर्ट का क्या था सेक्शन 118D के अगेंस्ट डी के लिए भी था। ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी यही कहा कि जो आपके ये आपके पैरामीटर्स उसमें दे रखे हैं वो भी सेम वेगनेस सेम ओवर ब्रेथ से जो है होकर गुजरते हैं। क्यों, क्योंकि इसको भी कहीं पे अनोयंस को डिफाइन एक्ट उस सेक्शन में कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया कि अनोयंस को क्या माना जाएगा किन किन एक्ट्स को जो है अनोयंस में काउंट किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर हम अनोयंस का अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है तो अनंत का मतलब होता है आपका नाराजगी खिंच या चिढ़। आपको पता है ये सारी जो आपके ये जो आपकी नाराजगी खिंच या चिढ़ है ये आपके दो एक रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप खराब ही हो या इस इन वर्ड का इस्तेमाल कहीं पे किसी नेगेटिव सेंस में भी किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी दो लोग किन्हीं दो लोगों के अगर कॉर्डियल रिलेशन भी हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रिश्ते में आपको नाराज़गी खिंच या चिढ़ देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इन इन इस वर्ड का आप इस्तेमाल इस एक्शन में किसी को जेल में डालने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है,
अब सेक्शन 66A क्या था? ये था आपका आईटी एक्ट का, ठीक है। अब इसमें क्या था कि सेक्शन 66A क्रिमिनलाइज सेंडिंग ऑफ एनी कम्युनिकेशन वाया कंप्यूटर और अ कम्युनिकेशन डिवाइस विच कुड बी सेट टू बी ग्रोजली ऑफेंसिव हैज मैनेजिंग कैरेक्टर ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इंटेंडेड एज कॉजिंग अनवेंस इनकन्वीनियंस डेंजर ऑब्स्ट्रक्शन इंसल्ट इंजरी क्रिमिनल इंटीमिडेशन एनिमिनिटी हेटेड और विल। तो इसमें भी ये बताया गया कि सेक्शन 66A के भी यही कुछ सेम सेम प्रोविजन थे जिसमें उन्होंने बताया गया था कि अगर कोई पर्सन किसी को किसी मेथड से कंप्यूटर से किसी कम्युनिकेशन डिवाइस से कुछ ऐसा सेंड करता है जो कि ऑफेंसिव है या फिर वही आपका खिंच या चिढ़ के किसी पर्पज से किया गया है, अनोयंस लिखा है यहाँ पे, इंसल्ट किसी की बेइज्जती इंजरी क्रिमिनल इंटिमिडेशन एनिमिनिटी या किसी और पर्पज से इसको सेंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को जो है जेल हो सकती है, उसको सजा दी जा सकती है, ठीक है ना। और किसी अगर ईमेल में भी ऐसा कुछ मैसेज सेंड किया गया है तो उसके बेसिस पे भी उसको सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। ये सेक्शन 66A के प्रोविजन से जिसको गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इनवैलिडेट कर दिया था, ठीक है। तो आपको देख के काफ़ी सिमिलैरिटी आपकी सेक्शन 118D और सेक्शन 66A में आपको देखने को मिलेगी। तो अब जो नया आपका प्रोविजन है वो इनसे कैसे जुड़ा हुआ है, वो इनसे कैसे लिंक्ड है, ठीक है। तो अब नया प्रोविजन आपका है कि स्टेट पुलिस एक्ट जो आपका केरला का है उसमें सेक्शन 118A को ऐड कर दिया गया है। अब इसमें क्या प्रोविजन है, इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये सिमिलर है बिल्कुल, आपका सेक्शन 118D और सेक्शन 66A से बिल्कुल ज़्यादा सिमिलर है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था कि उसमें आपका क्या था, सेक्शन 66A में आपका इलेक्ट्रॉनिक आपके जो कम्युनिकेशन डिवाइस थे उसमें ये दिखाया गया था कि अगर इनसे कुछ सेंड किया जाता है और वो अगर अनोयंस पर्पज़ है या उसका या फिर इंसल्ट करने के लिए या कुछ ऑफेंसिव ऐसा कुछ है या फिर फेक इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ है, तो जो है हम उसको पर्सन को उसको हम जेल में डाल सकते हैं, उसको उसके खिलाफ हम ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि वो जो है जो मैसेज है वो किसी कम्युनिकेशन किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस से सेंड किया जाए तो ही उसको हम क्रिमिनल उसको उस पर्सन को हम जो है जेल में डालेंगे, ऐसा इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा करके रख दिया है, ठीक है। अब पहले भी वाला अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में था जब उसमें थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन थी, अब इसमें इसमें बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल जो हमका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसके अगेंस्ट में तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपका सेक्शन 118D भी था। और इसमें जो आपका सेक्शन 118D में आपका क्या था कि अनोइंग जो आपका खिंच चिढ़ ऐसा कुछ जो आपके वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए थे उसमें इसको इस तक सीमित नहीं रखा गया, इसमें आपके कुछ नए नए पैरामीटर्स इसमें ऐड कर दिए गए, जैसे कि आपका इंजरी ह्यूमिलिएशन अब्यूजिंग थ्रेटनिंग डिफेमिंग, और कहीं पे भी इनको डिफाइन नहीं किया गया, कहीं पे भी इन पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं किया गया कि किन एक्शंस को जो हम थ्रेटनिंग मानेंगे अब्यूजिंग मानेंगे ह्यूमिलिएटिंग मानेंगे डिफेमिंग मानेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके जो सारा ऑनस है इनको प्रूफ करने का वो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे आ जाता है, और जो कि आराम से इसका मिसयूज़ किया जा सकता है किसी भी पर्सन को गलत तरीके से फंसाने में। और इसमें जो आपके पनिशमेंट है वो आपकी दिखा रखी है कि कम से कम 3 साल तक इसमें जेल हो सकती है और 10,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी इसमें हो सकते हैं, बोथ इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 118A ऑफ द केरला पुलिस एक्ट मेक्स द डिफेमेटरी कंटेंट एंड द अदर एक्ट डिफाइंड अंडर इट अ कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो इसमें आपका सेक्शन 118 में जितने 118A में आपके जितने भी आपके प्रोविजन हैं उनको क्या कर दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया। कॉग्निजेबल ऑफेंस को पता होता होगा कि काफ़ी ज़्यादा हीनियस को क्राइम माना जाता है, ठीक है, जिसमें कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साथ ही साथ इसमें इसको बेलेबल ऑफेंस बनाया गया कि इसमें बेल हो सकती है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस आपका नहीं है। लेकिन कॉग्निजेबल भी एक काफ़ी आप कह सकते हैं कि पावर दे देती है स्टेट पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कि उसको मतलब वारंट की भी जरूरत नहीं है, वो बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकता है, बाद में बेल मिल जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन अरेस्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात है बिना वारंट के, ठीक है। और कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा पावर्स स्टेट पुलिस को इसमें दी गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन 66A पे क्या स्टांस था, जो आपकी बेंच थी जे जस्टिस जे चलमेश्वर एंड आर एफ नारीमान, इनकी जो स्टांस था उसमें सेक्शन 66A पे इन्होंने अपनी रूलिंग दी थी, अपना वर्डिक्ट इन्होंने दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी इसमें आपके पैरामीटर से आपके जितने आपके प्रोविजन थ्रेटनिंग अब्यूजिंग जो आपके वर्ड्स हैं थ्रेटनिंग अब्यूजिंग ह्यूमिलेटिंग और डिफेमिंग, इनको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया, ना तो 66A में डिफाइन किया गया ना आर्टिकल ना सेक्शन 118A में डिफाइन किया गया, ठीक है। तो मतलब ना तो स्टेट पुलिस के एक्ट में इसको डिफाइन किया गया, ना ही जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का आईटी एक्ट था उसमें डिफाइन किया गया। लेकिन
जो आपका केरला का स्टेट पुलिस एक्ट है सेक्शन 2, उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो भी वर्ड्स हमने इसमें डिफाइन नहीं कर रखे, वो वर्ड्स की डेफिनेशन हम इंडियन पिनल कोड IPC और जो आपका CRPC है उनसे हम जो है उसकी डेफिनेशन को हम इसमें मानेंगे, उसको हम वैलिडेट करेंगे। लेकिन मतलब एक नया इसमें वो आ गया कि चलो अगर हमें स्टेट पुलिस एक्ट में नहीं मिल रहा तो हमें IPC में या CRPC में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन जो आपके IPC और CRPC है उनमें भी इनकी डेफिनेशन में कहीं पे भी नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली। सिर्फ डिफेमेशन की हमें डेफिनेशन मिल गई, लेकिन बाकी के जो आपके तीन थे थ्रेटनिंग, अब्यूजिंग और ह्यूमिलेटिंग, उनकी भी डेफिनेशन हमें IPC में या CRPC में नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं जो है हमें कहीं पे भी, हमने सारे हमने लोग खंगाल के देख लिए, सारे हमने स्टेट पुलिस के देख लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के देख लिए, कहीं पे भी हमें इन वर्ड्स की डेफिनेशन नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं पावर जो है पूरी पूरी वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लोकल पीपल के पास, नॉर्मल पीपल के पास कुछ भी नहीं है। तो इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है किसी के भी अगेंस्ट में, ठीक है। अब क्वाइट ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव ऑफेंडर ऑफ सेक्शन 66A एंड द अथॉरिटीज हु आर टू एनफोर्स सेक्शन 66A हैव एब्सोल्युटली नो मैनेजेबल स्टैंडर्ड बाय विच टू बुक अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 66A। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो किसी पर्सन को पकड़ रहे हैं इस ऑफेंस के लिए, या जो जो पकड़ा जा रहा है उसको भी नहीं पता कि वो किस ऑफेंस के लिए या फिर किसको जो है किस वाले ऑफेंस को इस वाले प्रोविजन में काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, किस एक्शन को वो लोग ह्यूमिलेटिंग मानेंगे, किस एक्शन को नहीं मानेंगे, किस एक्शन को वो लोग ऑफेंसिव मानेंगे या किस वाले को नहीं मानेंगे, ये ना तो नॉर्मल लोगों को पता है, ना ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पता है, ना बाकी अथॉरिटीज़ को पता है, ठीक है। तो ये एट द टाइम उसी वक्त डिफाइन कर लेंगे वो लोग, और मतलब वो आराम से मिसयूज किया जा सकता है, वही से फिर से वही बात आ गई, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक, अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग है। नाउ अब ये है कि अगर इसको मिसयूज भी किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में है, ठीक है। और डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जहाँ पे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं होगा, अपने एक्सप्रेशन को दिखाने का अधिकार नहीं होगा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ों को माउल्ड कर लेगी, कुछ किसी भी चीज़ को ऑफेंस बता के उनको डिटेन कर लेगी, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इट विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, ओके। अब रिएक्शंस, ये जो उन्होंने ऑर्डिनेंस तो पास कर दिया, अब इसके खिलाफ रिएक्शंस क्या क्या है, जो आपका इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है उन्होंने संडे को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि सेक्शन जो हमारा 66A था बिल्कुल उसकी ही एक रेप्लिकेंट, उसकी ही एक रेप्लिका कॉपी जो है केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने, केरला के गवर्नर ने निकाल के हमारे आगे रख दी है, जो कि ऑनलाइन स्पीच को भी क्रिमिनलाइज कर देता है, और दैट इज़ अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। बिल्कुल थ्रेट ये जो है, एक एक खतरा ये जो है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो चुका है, ठीक है। और पी चिदम्बरम जो है आपके, जो आपके कांग्रेस के जो मेंबर है पी चिदम्बरम, उन्होंने भी इसके मतलब खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, कल के न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी हैरान हूँ कि केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा जो है एक लॉ पास किया है जो कि फ्री स्पीच को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है, ठीक है। लेकिन फिर इतना कुछ, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होगी, तो केरला के जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि वो लोग अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो पहले इस पे स्टेट लेगिस्लेटिव असेंबली में इसके लेकर डिबेट करेंगे, उसके बाद कहीं जाके वो लोग सोचेंगे, तो अभी के लिए उन्होंने इसको होल्ड पर रख दिया है। तो कहीं ना कहीं जो ये फायर जो हमें हर तरीके से देखने को, हर जगह से हमें देखने को मिली, हर सेगमेंट से, तो कहीं ना कहीं ने थोड़ा बहुत काम किया, जिस वजह से जो आपकी केरला की स्टेट गवर्नमेंट है उसने इसको होल्ड पर रख दिया। और MHA ने भी जो है केरला के पुलिस एक्ट को, जो ये अमेंडमेंट इसमें किया गया उसको क्लियर नहीं किया अभी, पर ये बात ये मैं सोचना कि MHA का क्लियरेंस ज़रूरी था, MHA का क्लियरेंस कहीं से भी इस एक्ट को पास करने के लिए ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ये आपका स्टेट एक्ट है, ठीक है। इसमें आपको पार्लियामेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको पास करवाने के लिए, ठीक है। वो बस कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैंडम में चलते हैं, ठीक है। जो कुछ प्रोविजंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज के अगेंस्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसको लेके क्लैरिफिकेशन की या फिर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इसको लेके कहीं से भी इसकी क्लैरिफिकेशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे आपके सेक्शन 66A, सेक्शन 118A, सेक्शन 118D, ये सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं हो गया, आप बस अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अचीव IAS एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।